जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान अहमद, आप देख रहे हैं डायमंड टीम लीडर यूट्यूब के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं, और अगर आप मार्केट के अंदर आ चुके हैं आपने कौन से ट्रेंड को देख के आपने कैसे ट्रेड करनी है और कैसे आपने यहाँ से जो है प्रॉफिट भी लेना है। जैसा कि आपको पता है आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल डायमंड टीम लीडर के ऊपर एक जो है सीरीज को मैंने जारी किया, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग का फुल कोर्स मैं करवा रहा हूँ बिगिनर टू एडवांस, यानी कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैं सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यहीं पे आपको मैं 30,000 का इनाम भी देने वाला हूँ। वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल कोर्स को आप किस तरीके से सीख सकते हैं, उसके लिए आपको मुकम्मल वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा, और इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे। देखें, जो हमारा कल के दिन लेक्चर हुआ था उस दिन मैंने आपको सिखाया था ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड होता क्या है और उस तरीके से हम ट्रेंड को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ट्रेंड की टाइप्स बताऊंगा और आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपने ट्रेंड को देखते हुए कैसे ट्रेडिंग करनी है, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले और आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग के अंदर मार्केट में सिर्फ 3 किस्म के ट्रेंड हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चौथा या पांचवा ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब 3 कौन कौन सी है, सबसे पहला जो यहाँ पर ट्रेंड आता है वो आता है साइडवेज ट्रेंड। अब आपको साइडवेज ट्रेंड नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि भाई जो ट्रेंड है वो साइडवेज चलने वाला है, यानी कि एक लाइन के अंदर चलने वाला है। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव ग्राफ के अंदर भी जाकर दिखाने वाला हूँ, आपको लास्ट करके देने वाला हूं, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए, पहला ट्रेंड मैंने आपको कौन सा बताया, साइडवे ट्रेंड बताया। दूसरा ट्रेंड आपके पास आता है डाउन ट्रेंड, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट है, नीचे हमारे पास यहां पर ट्रेंड देखने के लिए हमारे पास बन चुका है, ठीक है। दूसरा ट्रेंड आपके पास आ गया डाउन ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड आपके पास आता है जी अप ट्रेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोगों को ग्राफ सामने शो करवा रहा हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं आपको यहाँ पर समझ आ रही है कि भाई अप ट्रेंड से क्या मुराद आ रहा है, डाउन ट्रेंड से क्या मुराद है, और जो है साइडवे ट्रेंड इसके क्या मुराद है। देखिए, अप ट्रेंड से चीज वही है कि भाई जब एक मार्केट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड है। अगर मार्केट एक जोन के अंदर चल रही है, यानी कि ना तो वो ऊपर है ना तो वो नीचे है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ये जो ट्रेंड है एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेड वगैरह नहीं करनी होती। यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना होता है उस वक्त तक जब तक आपका ये ट्रेंड साइडवे ट्रेंड से निकलकर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ चलना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। अब आपको चलता हूँ लाइव ग्राफ के ऊपर लेके। जी, हम यहाँ पर लाइव ग्राफ के ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर तलाश करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग तलाश करेंगे साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड किस तरीके से हम लोगों ने तलाश करना है, तो हम लोगों ने पहले आ जाना इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उसको हमने बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तकरीबन 30 मिनट कर लेता हूँ, यानी कि 30 मिनट के बाद जो भी कैंडल्स बन रही हैं हमने उसको तलाश करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसको भी एक जो है साइडवे ट्रेंड कहेंगे। हमारे पास जो शो हो चुका है ये भी हमारे ये साइडवेज ट्रेंड है, यानी कि जितनी भी यहां पर कैंडल्स बनी हैं वो 30 मिनट के बाद यहां पर हमें कैंडल्स देखने के लिए मिली हैं। उसके बाद हम एक और साइडवेज ट्रेंड को तलाश कर लेते हैं। उसके लिए हम यहां पर आते हैं। अभी यहां पर देखें, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट के अंदर तलाश करना है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। उस वक्त तक आपने तलाश करना जब तक आपको साइडवे ट्रेंड यहाँ पर मिल ना जाए, और उसके बाद अगर आपको आपके टाइम फ्रेम के अंदर साइडवे ट्रेंड नहीं मिला तो आप क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को चेंज करने, जिससे आपको आपके एनालिसिस के मुताबिक आपको एक जो है ट्रेंड वो मिल सके। यहाँ पर आप लोगों को मैं साइडवे ट्रेंड तलाश करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पास ये भी जो एक ट्रेंड है ये एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रेंड हमारे पास है एक साइडवेज ट्रेंड है, यानी कि ये एक लाइन के अंदर ही सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो बन रही हैं, इसी साइडवेज ट्रेंड भी हम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर तलाश करके दिखाने वाला हूँ अप ट्रेंड के बारे में, यानी कि यहाँ पर अप ट्रेंड हम किसे कहते हैं और लाइव मार्केट के अंदर अप ट्रेंड कैसा दिखता है। अप ट्रेंड को तलाश करने के लिए यहाँ पर दोबारा से ग्राफ को मैं तलाश करता हूँ। यहाँ पर ग्राफ को देख लेते हैं अच्छे से, तो हमें ये क्या मिल चुका है जी, हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड मिल चुका है। अब आप लोगों ने अप ट्रेंड लगाना कैसे है वो भी आप लोग देख लें। यहाँ पर आप इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं कोटेक्स चार्ट के अंदर बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर कैसे लगाना है। अप ट्रेंड लगाने के लिए, एक ट्रेंड लाइन लेने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट्स पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेंसिल आ जाती है, आपने जी यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है लास्ट के ऊपर
एक है ट्रेंड लाइन आ जाती है, आपने क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ चुकी है, एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है जिसको आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ के इसको आगे पीछे की तरफ मूव भी कर सकते हैं और इसको मूव करने के बाद आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जी, मुझे ये अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर मूव करूंगा और इसको भी यहाँ से पकड़ के वहाँ पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्या जी एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है, इसको मैं अच्छे तरीके से लगा लेता हूँ। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाते वक्त क्या करना है जी, विक को आपस में मिलाना है। और हमारी ट्रेंड लाइन कब बनेगी, जब दूसरी कोई भी कैंडलस्टिक हमारी जो है ट्रेंड लाइन के साथ टच हो जाएगी, हम उसको क्या कहेंगे, ये जो है एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक लाइन हमारे साथ टच हुई, उसके बाद यहाँ पर भी एक कैंडलस्टिक हमारे साथ टच हुई। टच होने के बाद क्या हुआ जी, कैंडल्स ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई, यानी कि एक ट्रेंड के ऊपर ही सारी की सारी मार्केट ने काम किया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा है, तोड़ने के बाद क्या हुआ जी, कैंडलस्टिक जितनी भी थी वो नीचे बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि ट्रेंड नीचे आ गया, ट्रेंड यहाँ से टूट गया। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्या जी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोगों ने ड्रा की है। इसको हम लोग यहाँ पर आकर लगाएंगे, ये लीजिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टच किया, उसके बाद यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर भी किया, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड लाइन बन चुकी है। इसके बाद देखें जैसे उसने इस लाइन को तोड़ा है, तोड़ने के बाद क्या हुआ जी, मार्केट ने ऊपर की तरफ यानी कि अप ट्रेंड की तरफ यहाँ से मूव करना शुरू किया है। इस लाइन को लगाने का फायदा ये होता है, हमें पता चल जाता है कि हम किस ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमें किस तरीके से प्रॉफिट होने वाला है। यही था आज की हमारी क्लास के अंदर। कल जो मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रेंड को डिफाइन किस तरीके से करना है, ट्रेंड किसको कहते हैं। आज की क्लास हमारी यही थी कि ट्रेंड कितनी टाइप्स के हैं और उन ट्रेंड को आपने डिफाइन किस तरीके से करना है, आपने उनको तलाश किस तरीके से करना है, उनको दिखते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने प्राइस एक्शन को देखते हुए किस तरीके से ट्रेड करनी है। अब बात करता हूँ इनाम के बारे में, हमारा जो है ये कोर्स जारी है, इस कोर्स के हमारा आज का जो क्लास नंबर है वो 6 है। आप लोगों ने क्या करना है, सभी क्लासेस को अटेंड करना है, अटेंड करने के बाद सभी क्लासेस के अंदर सभी वीडियोस को लाइक भी करना है और सभी वीडियोस के अंदर आपने कमेंट भी करनी है। जैसे ही हमारा ये जो है क्लास जो पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है मैं यहाँ पर वोटिंग करवाऊंगा, वोटिंग होने के बाद जो पर्सन भी यहाँ पर विनर होगा उसको हम जो है 30,000 का इनाम देने वाले हैं। तो ये आपको मैं फ्री कोर्सेज भी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको 30,000 जीतने का मौका भी दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने लाइक भी लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है ताकि आपको फायदा हो, और वीडियो को आपने और लोगों तक भी लाजमी शेयर करना है ताकि लोग यहाँ से वीडियोज को वॉच करें और यहाँ से फायदा हासिल करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।